नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज हम बताएंगे दोस्तों ट्रिपल सी में जो इस समय नेट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जो हम कुछ क्वेश्चनों के साथ प्रस्तुत हुए। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए ट्रिपल सी में इस टाइम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी टाइप के आप देखेंगे जब ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हो या जो दे रहे हो, अगर जिनका अभी एग्जाम बाकी है, देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप फोकस करिएगा इस बार अगर एग्जाम में, जिसे विश्वकोश के लिए सबसे अच्छी साइट क्या है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं विश्वकोश मतलब जो हम वर्ड लिखते हैं दोस्तों, जो पढ़ते हैं, जैसे कि किसी भी चीज के बारे में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बायोग्राफी जानना है तो विकिपीडिया क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो किसी विश्वकोश के लिए सबसे अच्छी साइट क्या होती है, विकिपीडिया दोस्तों। किसी भी विश्वकोश के लिए सबसे अच्छी साइट क्या होती है, विकिपीडिया होती है दोस्तों। फेसबुक को एक टाइम पे हम असम सिस्टम पर लॉग इन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये तो जो है लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो इंटरनेट में पूछे जा रहे हैं, आपको अलग लग रहा होगा और ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। फेसबुक को एक टाइम में हम क्या करते हैं, एक ही टाइम में हम असंख्य सिस्टम पर दोस्तों, मतलब ये तो कह सकते हैं अनगिनत, नो लिमिट, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि ये होता है कि हम जैसे कि मोबाइल में लॉगिन तो कर लिए, तो हम कंप्यूटर में भी अपने अपने ही क्या कर सकते हैं, फेसबुक को ऑन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, फिर दूसरे कंप्यूटर में, तो असंख्य मतलब कि अनगिनत सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। इंटरनेट में आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉजिकल एड्रेस होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, आईपी जो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, या कभी कभी यूआरएल का पूछ लिया जाता है दोस्तों कि URL का क्या है, तो यूनिफॉर्मेशन लोकेटर लोक सॉरी रिसर्च लोकेशन होता है दोस्तों। तो कभी कभी URL का पूछ लेता है। तो वेब ब्राउजर जो होता है वेब क्लाइंट से संबंधित दोस्तों, जैसे कि वेब ब्राउजर है क्या दोस्तों, जैसे कि जो हम ऑन करते हैं दोस्तों, तो ये एक वेब क्लाइंट है दोस्तों। जैसे कि हर सिस्टम पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। और वाइबर देखिए, इस समय जैसे फेसबुक पूछ रहा है उसी तरह वाइबर है क्या, वाइबर एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण दोस्तों। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैसेज भेज सकते हैं। जैसे ट्विटर है, ट्विटर क्या है, तो अभी देखिए ट्विटर का असली नाम क्या है, TWTTER है दोस्तों, TWTER होता है दोस्तों ट्विटर, क्योंकि ट्विटर का स्पेलिंग पूछा जाता है या ना पूछे, ट्विटर से क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं मैसेज करते हैं, मैसेजिंग करते हैं। RTGS इंडिया में 2004 में प्रारंभ होता है दोस्तों, RTGS, तो RTGS जो होता है दोस्तों 2004 में प्रारंभ होता है। G2G2, या तो G2G2 पूछेगा, या तो P2P2 पूछ सकता है, C2C2 C2C से पूछ सकता है, या C2P से पूछ सकता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जा रहे हैं इस टाइप के। तो G2G2 का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस समय बता रहे हैं कि नेट के जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, जो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों तो 100% मैं 110% की गारंटी ले रहा हूं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहीं से उठा के देंगे। तो जितना हम बता रहे दोस्तों उतना अगर आप कवर करके जा रहे हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा सा डीपली पढ़ के जा रहे हैं, तो 100% आपको ट्रिपल सी में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए दोस्तों डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों। डेबिट में आप जैसे कि क्रेडिट में क्या कर सकते हैं, आप कोई भी चीज जैसे कि शॉपिंग कर सकते हैं, उधार शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड से उधार शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रहता है ना कि आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है, तब भी आप 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी क्रेडिट का लिमिट होगा दोस्तों, उतने से आप क्या कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, RTGS और NFT, हॉलीडे के दिन ही केवल जो RTGS होता है दोस्तों, और NEFT जो होता है वो हॉली दिन को छोड़ करके सभी दिन क्या करता है, काम करता है, मतलब 248 दिन क्या करता है, 7 मतलब दिन होता है, और वर्ष की क्या होता है 248 दिन। तो
तो 7 डेज काम करता है। ई वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है दोस्तों। ई वॉलेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है दोस्तों। ईमेल का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो ईमेल का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों। ईमेल भेजने के लिए हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ईमेल भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? एसएमटीपी का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। पहला सर्च इंजन जो कि आरजी था, लोग गूगल लगा देते हैं दोस्तों, तो ये गलत हो जाता है। पहला जो सर्च इंजन था वो क्या है आपका? आरजी था। क्रेडिट कार्ड, वीजा, रुपए, मास्टर, मतलब जो क्रेडिट कार्ड होता था वो वीजा में भी होता है दोस्तों, रुपए में भी होता है और मास्टर कार्ड में भी होता है। ये सभी रूपों में मैं क्या कहते हैं ज्यादा ज्यादा, मतलब अगर दोस्तों कोई पूछा था क्रेडिट कार्ड, जिसमें बहुत लोग के दिमाग में जैसे हम लोग कार्ड लेते हैं तो आप पे वीजा कार्ड लिखा रहता है या तो रुपए कार्ड लिखा रहता है या मास्टर कार्ड, ये 3 प्रकार के कार्ड होते हैं दोस्तों। तो इसमें कभी क्रेडिट कार्ड सब में आता है, वीजा में भी आएगा, रुपए में भी आएगा, मास्टर कार्ड में आएगा, तो ये सब में पाया जाता है दोस्तों। यूपीआई के थ्रू पैसा लेने को क्या कहते हैं? पुल कहा जाता है। मतलब यूपीआई जो आप इस समय चला है, यूपीआई तरह यूपीआई जो एक सब एप्लीकेशन चला है दोस्तों, जिससे हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। मतलब जो पैसा लेने को क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर नेटस्केप है दोस्तों। तो नेटस्केप ही क्या है? पहला ग्राफिक वाउचर है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो हम बताते भी चले, लेकिन आप एक बार कोशिश करिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन के आपके पास आंसर है दोस्तों। हम तो आंसर दे ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए, क्योंकि एग्जाम में जो CCC की इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन? ईमेल को एक बार में हम 500 लोगों को सेंड कर सकते हैं दोस्तों। 500 से ज्यादा नहीं, जो ईमेल होता है दोस्तों हमारा, जैसे जीमेल है, तो उसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? मतलब कि एक बार में जैसे कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक 500 लोगों को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ईमेल के द्वारा अधिकतम 25 MB की साइज की फाइल भेजा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल जो हम करते हैं दोस्तों, तो उसकी जो फाइल की साइज केवल कितना हो? 25 MB। इससे ज्यादा होगी दोस्तों तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या है? आप देखिए इसमें से कुछ पूछा जा रहा है, 500 नोट की साइज कितनी है? तो 66 × 150। फिर 2000 नोट की साइज कितनी है? तो 66 × 166 mm का है दोस्तों। तो ये इस टाइप की समय नेट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे देखेंगे आपको इसी से रिलेटेड या सेम टू सेम यही क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, हम गारंटी ले रहे हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान भी गए, और थोड़ा सा इसके बारे में डीपली अगर अध्ययन कर रहे हैं तो CCC में जो भी नेट से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो 100% आपको फंस जाएंगे दोस्तों। तो ये थे कुछ नेट के क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेट के और भी रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आपकी तैयारी कितनी दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।